गुड इवनिंग बच्चों गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को मीना वंश रिदिमा साइना सबसे पहले मेरे को ऑडियो चेक दे दीजिए प्लीज सबसे पहले मेरे को ऑडियो चेक दे दीजिए चलिए ओम साहू ने सबसे पहले दे दिया वॉइस क्लियर ग्रीन सिग्नल भी दे दिया क्या बात है ओम साहू वेरी वेरी गुड गुड इवनिंग फूल श्वेता रिदिमा मंसूर निवी ओके निवी थैंक यू सो मच जतिन वेरी वेरी गुड इवनिंग ओके okay, वंश भी कह रहे हैं ऑडियो इज क्लियर ओके वंश थैंक यू सो मच हर्ष गुड इवनिंग रूबी सुनीता उमेश अंजलि कैसे हैं सारे बच्चे मुझे बताइए फटाफट से कैसे हैं सभी बच्चे अरे अरे आज प्रॉब्लम हो रही है कुछ चलिए कनेक्ट हो गया है शायद अरे अरे आज क्या दिक्कत हो रही है आ रही है क्या आपको ऑडियो आ रही है प्लीज जरा मेरे को बताइए ऑडियो आ रही है वीडियो तो मुझे पता है अटक रही है प्लीज मेरे को बताइए ऑडियो आ पा रही है आप सब तक कि नहीं अभी तो आई थिंक फिलहाल तो कनेक्ट हो गया है जब मेरी वीडियो अटक रही है तो क्या आप लोगों को ऑडियो आ रही है कि नहीं मेरे को ये बता दो कोई बच्चा प्लीज बिकॉज इंटरनेट का तो आई डोंट थिंक कोई इशू है मेरे साइड से इंटरनेट तो बिल्कुल परफेक्ट है बच्चे कह रहे ऑडिबल अभी तो ऑडिबल हुआ जब वीडियो पॉज हो जा रही है अटक जा रही है तो क्या मेरी ऑडियो आ रही है कि नहीं सब मेरे को ये बताओ ऑडियो आ रही है बच्चे कह रहे हैं okay. ओके अभी तो ये कनेक्ट हो गया है होपफुली अब दोबारा नहीं अटकना चाहिए होपफुली अभी दोबारा नहीं अटकेगा अस होप फॉर द बेस्ट इतनी दिक्कत तो नहीं हुई पहले कभी चलिए कोई नहीं अभी तो आई आई थिंक ये कनेक्ट हो गया है एंड आई एम होपिंग अगेंस्ट होप कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तो चलो वेरी वेरी गुड इवनिंग दोबारा सारे बच्चों को जो अब दोबारा से अभी जोड़ रहे हैं थोड़ी लैग हो गई आई नो एंड अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और लैग नहीं होगी होगी तो चलो तब की तब देख लेंगे ठीक है तो अभी आप लोग चिंता मत करिए फिलहाल हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम नॉट क्लियर बच्चे कह रहे हैं अभी तो आई थिंक क्लियर है मेरे सामने भी चल रही है तो अभी तो क्लियर है चलिए मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा अभी चल रही है अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही तो मैं चेक करता रहूंगा तो आप उसकी चिंता मत करना आप अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए तो आज हम तो बेसिकली लास्ट लास्ट में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था अकाउंटिंग रेशियो का उसमें मैंने आपके साथ करेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया था एंड हमने मोर मोरऑललेस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए थे उसके एक क्वेश्चन और करना है हमको करंट रेशियो का

क्वेश्चन फिफ्टीन पेज नंबर फोर पॉइंट वन जीरो टू मैं आपके सामने खोल लेता हूं आप लोग भी खोल लीजिए क्वेश्चन फिफ्टीन इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो बल्कि मार्क कर दो इंपॉर्टेंट मार्क कर देना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बहुत पूछता है है ना इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बहुत पूछता है इनफैक्ट इस तरह का एक क्वेश्चन सीबीएसई ने आपके सैंपल पेपर में भी पूछ रखा है तो चलो एक बार पढ़ते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करेंट रेशियो विल इंप्रूव डिक्लाइन और विल हैव नो इफेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इफ करेंट रेशियो इज टू इज टू वन तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने नीचे अलग अलग ट्रांजैक्शंस आपको बता रखे हैं आप ये बताइए कि इन ट्रांजेक्शन से जो करंट रेशियो है वो इंप्रूव होगी इंप्रूव होने का मतलब क्या है बढ़ेगी डिक्लाइन होगी यानी कम होगी या फिर कोई चेंज नहीं होगा यानी नो इफेक्ट नो इफेक्ट का मतलब नो no चेंज और क्वेश्चन ने आपको बोल रखा है कि टू इज टू वन की रेशियो अभी है करंट रेशियो तो मैं एक बार सारी ट्रांजेक्शन एक बार रीड कर लेता हूं उसके बाद फिर किताब के से आप लोग देखते रहना ठीक है मैं अपनी स्क्रीन पर वापस आ जाऊंगा बाद में बार बार नहीं पढ़ पाऊंगा तो मैं एक बार ओवरऑल सारी केसेस एक बार रीड कर लेता हूं तो ए कह रहा है कि कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स बी कह रहा है बिल्स पेबल डिस्चार्ज सी कह रहा है बिल्स रिसीवेबल इनडोस टू अ क्रेडिटर ओके पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिटेबल इंडिया बुक वैल्यू है पचास हजार की फॉर रुपीज फोर्टी फाइव थाउजेंड और लास्ट केस कहता है सेल ऑफ फिक्स एसेट बुक वैल्यू है पचास हजार की फॉर सिक्सटी थाउजेंड तो ये आपको कुछ केसेस बता बता रखे हैं अलग अलग और आपको बताना है कि इन केसेस से आपका जो करंट रेशो है वो बढ़ेगा कम होगा या फिर कोई चेंज नहीं होगा ठीक है चलिए तो मैं अब आपकी अपनी स्क्रीन वापस खोल रहा हूं आप लोग किताब से पढ़ते रहना ठीक है आप लोग किताब से पढ़ते रहना चलिए अच्छा सबसे पहली बात जब इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें आपसे पूछे कि भैया इस ट्रांजेक्शन से रेशो क्या होगा बढ़ेगा कम होगा क्या होगा तो इस तरह के सवालों में क्या ट्रिक आपको यूज करनी है ठीक है आपको बहुत सिंपल ट्रिक यूज करनी है जैसे क्वेश्चन ने आपको करंट रेशियो बोल रखा है one, यानी अपॉन कहीं कहीं ना कही बोल रखा है तो आप क्या कर लो ऐसी इमेजिनरी कोई फिगर ले लो मान लो मान करंट एसेट होंगे आपके दो लाख रुपए के और करंट लाइबिलिटी होगी एक लाख रुपए की ठीक है कोई भी अजम्पन आप ले लो अज्यूम कर दिया मैंने ठीक है कोई भी इमेजिनरी फिगर ले ली या आप लोग भी अज्यूम कर लेना फिगर ऐसी लेना कि आपकी रेशियो सही आए ठीक है तो आप जब इसकी रेशियो निकालने जाओगे तो करंट रेशियो आप देखोगे टू इज वन ही आएगी ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको कोई इमेजिनरी फिगर ले लेनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशियो और फिर आपको आगे के क्वेश्चन में प्रोसीड करना है बिल्कुल ठीक केशव समझ गए केशव बिल्कुल समझ गए बिल्कुल सही बोला केशव आपने ठीक है चलिए आप क्या करेंगे कि एक एक करके ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे नहीं इसे ए बी सी करके बोला है ना तो मैं ए लिख लेता हूं तो एक एक करके आप किताब से ट्रांजेक्शन पढ़ते जाना और फिर हम लोग देखते रहेंगे तो जैसे ए में बोल रहा है कैश पेबल्स। कैश पेड पेड टू टू ट्रेड ट्रेड पेबल्स पेबल्स ठीक है तो मान लो ऐसे ही बोल रहा हूं पचास हमने कैश पे किया फॉर एग्जाम्पल तो अब आपका क्या हो गया होगा न्यू रेशियो कितनी आएगी न्यू करंट रेशियो कितनी आएगी तो अभी दो लाख रुपए का करंट एसेट है और मान लो फिफ्टी थाउजेंड का मैंने कैश पे किया किसको ट्रेड पेबल्स को तो 50000 से मेरी कैश कम हो जाएगी यानी मेरे करंट एसेट कम हो जाएंगे और मेरी अभी एक लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी मैंने अज्यूम कर रखी है एंड 50000 से मेरी करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं करंट लाइबिलिटी होते हैं तो 50000 से मेरी करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी तो अब मेरी नई फिगर क्या आ जाएगी 1.5 लाख अपॉन अपॉन 50000 अपॉन 50000 ये मेरी वो आ जाएगी uh, नई फिगर आ जाएगी और जब मैं इसका रेशियो निकालूंगा या आ जाएगा थ्री अपॉन वन या फिर थ्री इज टू वन तो आप देख सकते हो रेशियो टू, इस टू वन से बढ़ के हो गई है थ्री इज टू वन तो यहां पे क्या चेंज आ गया रेशियो बढ़ गई रेशियो बढ़ गई ठीक है तो मेरे को बता दो आपको ट्रिक समझ आई कि नहीं आई इस तरह का सवाल कैसे करना है आपको इसकी ट्रिक आई कि नहीं आई मुझे सबसे पहले बताओ ये पहली बार मैं करा रहा हूं इसलिए मैंने आपको आराम आराम से करा रहा हूं उसके बाद हम जल्दी जल्दी करेंगे सिर्फ करंट रेशियो में नहीं आगे जितने भी रेशियो आएंगे उसमें जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको यही करना है आपको इमेजिनरी फिगर ले लेकर चीजों को कैलकुलेट करते हुए चलना है ठीक है तो मेरे को फटाफट से कंफर्म कर दो कि बात समझ आ गई कि नहीं आ गई तरीका समझ आया कि नहीं आया बताओ एक बच्चा कह रहा है वन मोर टाइम मेजोरिटी बच्चे कह रहे हैं समझ आ गया 1.5 लाख कैसे 2 लाख माइनस फिफ्टी थाउजेंड इज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ओके अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो ये बेसिकली क्या है अपॉन ठीक है तो एक बच्चा दोबारा समझाने कह रहा है तो भैया आपको मैं दोबारा से बता दूं करंट जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जब आपको रेशियो दे रखी हो और आपसे वो बोले कि ये ये ट्रांजेक्शन से रेशियो में क्या इफेक्ट आएगा तो आपको रेशियो के बेसिस पे कुछ इमेजिनरी फिगर्स ले लेनी है तो इस एग्जाम्पल में अगर मैं बोलू तो क्वेश्चन ने बोला था करंट रेशियो टू मैंने इमेजिनरी फिगर ले ली ओहो, मैंने इमेजिनरी फिगर ले ली क्या हो जा रहा है तो मैंने इमेजिनरी फिगर ले ली कि दो लाख रुपए मेरे करंट एसेट होंगे एक लाख के करंट लाइबिलिटी होगी तो आप चेक कर सकते हो रेशियो आपको ट्विस्ट मन आ रहा है ठीक है अब जैसे जैसे वो ट्रांजेक्शन बोले आपको वैसे वैसे चीजें लेते हुए चलनी है तो पहले उसमें बोला था हमने ट्रेड टेबल्स को कैश पे किया तो जब कैश पे किया तो हमारे कैश कम हो गई फिफ्टी से ही मैंने फिफ्टी रिज्यूम कर लिया ठीक है ऐसी इमेजिनरी फिगर ले ली फिफ्टी थाउजेंड मान लो मैंने ट्रेड पेबल्स को कैश पे करा तो फिफ्टी थाउजेंड से मेरी करंट एसेट कम हो गई और ट्रेड पेबल्स भी कम हो गई करंट लाइबिलिटी पचास हजार से कम हो गई तो अब नया रेशियो क्या आ जाएगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंडिड बाई फिफ्टी थाउजेंड तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा थ्री इज टू वन तो रेशियो टू इज टू वन थी अब थ्री इज टू वन हो गई यानी रेशियो बढ़ गई ठीक है चलिए अब फटाफट फटाफट से करते जाएंगे फटाफट से करते जाएंगे बी बी क्या बोल रहा है भाई बी बोलता है बिल्स पेबल डिस्चार्ज बिल्स पेबल डिस्चार्ज तो सेम है बिल्स पेबल डिस्चार्ज करे होंगे हमने तो चलो इसको भी ले, ले लेते हैं हम न्यू करंट रेशियो आएगी इसमें भी मैं पचास हजार रुपए फिगर ले लेता हूं दो लाख रुपए के पहले करंट से फिफ्टी थाउजेंड के मैंने कुछ बिल्स पेबल डिस्चार्ज करे तो पचास हजार रुपए का मैंने मतलब कुछ कैश पे किया और एक लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी थी बिल्स पेबल कम हो गए पचास हजार रुपए से तो फिफ्टी थाउजेंड से मेरी करंट लाइबिलिटी और कम हो गई तो ये भी सेम आ जाएगा वन लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फिफ्टी थाउजेंड इज थ्री वन यहां पे भी सेम चीज हो गई रेशो बढ़ गई ठीक है चलिए सी आ जाइए क्या कह रहा है वो टी कहता है बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर तो एक बिल्स रिसीवेबल थे हमारे पास जो हमने किसी क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिए तो इसका इफेक्ट क्या आ गया मेरे बिल्स रिसीवेबल भी कम हो गए मेरे क्रेडिटर्स भी कम हो गए तो यानी कि सेम एज एंड बी तो बिल्कुल सेम हो जाएगा ये एज ए एंड बी सेम एज एंड बी अच्छा फूल को मीनिंग भी जानना है अच्छा मीनिंग तो मेरे को लगा आप समझ जाओगे पढ़ के एनी वे anyway, चलिए डी देखते क्या बोल रहा है डी कहता है पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड तो डिविडेंड की मैंने आपको कहानी बताई थी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर पे तो वहां पे मैंने आपको पूरी डिविडेंड की कहानी बताई थी कि भाई जब शेयर होल्डर्स डिविडेंड को अप्रूव कर देते हैं तब डिविडेंड की लाइबिलिटी आती है तो यहां पे वही कह रहा है वो फाइनल डिविडेंड जो शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया था अब वो हमने पे कर दिया तो जब डिविडेंड अप्रूव हो गया होगा तब हमने अपने उसको डिविडेंड को अपनी करेंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया होगा अब वो हमने डिविडेंड पे कर दिया यानी कि अब क्या हो गया आपका सेम है अब आपकी कैश कम हो गई, डिविडेंड जो आपने पे किया उससे और आपकी जो डिविडेंड की लाइबिलिटी थी करंट लाइबिलिटी वो भी कम आ गई यानी कि सेम एज एंड बी तो यहाँ पे भी सेम इफेक्ट हो गया करंट एसिड भी कम हो लाइबिलिटीज भी कम हुई तो यहाँ पे भी सेम इफेक्ट हो गया <coughs> चलिए अरे रे फूल आपको इंडोस्ट पहली बार तो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा क्लास इलेवंथ में फूल ऐसी बातें मत लिखो मेरे को डर लग जाएगा फुल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर होता है पूरा क्लास इलेवेंथ में फूल तो तो भूल गए वहां पर हम सारी चीजें पढ़ते थे कि बिल्स पेबल क्या होते हैं बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं बिल्स इंडोर्स करने का क्या मतलब होता है बिल्स बैंक के साथ डिस्काउंट करने का क्या मतलब होता है ये सारी चीजें पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी आपने ठीक है तो ये कोई नई टर्म्स नहीं है आप पढ़ चुके ऑलरेडी क्लास 11th में आप अपनी 11th की किताब खोल के चेक कर लेना चलिए अब ई क्या कहता है भाई परचेज परचेज ऑन ऑन स्टॉक स्टॉक इन इन ट्रेड ट्रेड ऑफ क्रेडिट तो कह रहा है हमने कुछ स्टॉक खरीदा क्रेडिट पे खरीदा तो दो लाख रुपए के मेरे करंट एसेट्स अभी चल रहे थे तो जब मेरे स्टॉक मैंने खरीदा होगा मान लो फिफ्टी थाउजेंड के स्टॉक परचेज करे तो फिफ्टी थाउजेंड से मेरे स्टॉक बढ़ गई यानी मेरे करंट एसेट्स बढ़ गए

ये हो गई कम चलिए फूल अब आपको ना थोड़ा रिवाइज पर करना पड़ेगा क्योंकि एफ पढ़ो फटाफट से जल्दी जल्दी कर रहा हूं बिल्स रिसीवेबल इंडोस टू बिल्स रिसीवेबल हमने जो क्रेडिटर को दे दिए थे इंडोज कर दिए थे अब वो डिसऑनर हो गए तो डिसऑनर की क्या एंट्री होती थी फूल याद है आपको डिसऑनर की जर्नल एंट्री क्या होती थी जब बिल्स हमने इंडोर्स कर रखे होते थे तो इसकी एंट्री होती थी जो आपने क्लास इलेवेंथ में सीखी है क्रेडिटर नी सॉरी डेटर इसकी एंट्री होती थी डेटर अकाउंट डेबेट डेटर अकाउंट डेबेट टू क्रेडिटर अकाउंट यह एंट्री होती थी क्लास इलेवेंथ में जो आपने सीखी हुई है फिगर मान लो ज्यूम कर लो है वही फिफ्टी थाउजेंड जब डिसऑनर हो जाता है कोई इंडोस्ट बिल तो आपका यानी कि क्रेडिटर भी बढ़ जाता है और आपकी डेटर्स भी बढ़ जाते हैं तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों भी बढ़ जाती है तो न्यू रेशियो कैसे निकालोगे आप न्यू करंट रेशियो डेटर बढ़ गए आपके दो लाख से बढ़ के हो गए फिफ्टी थाउजेंड लाख से बढ़ गए फिफ्टी थाउजेंड से वैसी करंट लाइबिलिटी भी आपकी बढ़ गई पचास से तो आपका नेट इफेक्ट वही आ गया टू लैख फिफ्टी थाउजेंड थाउजेंड दन पॉइंट सिक्स सेवन इन वन वन पॉइंट सिक्स सेवन इंस टू वन यानी यहां पे भी क्या हो गया टू इंस टू वन से कम होकर वन पॉइंट सिक्स सेवन इज वन हो गया चलिए नहीं कार्तिक ब्लू नहीं दिखेगा आपको जी फटाफट पट से आ जाइए जी पे भी देख लेते क्या है जी कहता है परचेज ऑन स्टॉक इन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश अब वो बोल रहा है हमने स्टॉक एंड ट्रेड कैश पे खरीदे हैं ठीक है थीके? तो दो लाख रुपए के यानी कि करंट एसेट्स पहले थे हमारे पास मान लो फिफ्टी थाउजेंड के स्टॉक खरीदे तो पचास हजार से मेरा स्टॉक बढ़ गया लेकिन मैंने कैश में परचेस किया तो यानी मेरा कैश चला गया तो पचास हजार से मेरा कैश कम हो गया डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी में नो no चेंज तो फाइनली मेरी क्या आ जाएगी फिगर टू लैख डिवाइडेड बाय वन लैख दू इज टू वन ट इज नो चेंज नो चेंज टू स्टूबंट नो चेंज ठीक है एंड लास्ट पढ़ लेते एच थैंक यू सर आर्यन बोल रहे थैंक यू सर किस बात के लिए थैंक यू बोल रहे हो आर्यन मेरे को समझ नहीं आया यूर वेलकम वैसे अगर आप थैंक यू बोल रहे हो तो लेकिन मेरे को नहीं पता आप थैंक यू क्यों बोल रहे हो चलिए आई लास्ट लास्ट नहीं अच्छा सेकंड लास्ट है एच कह रहा है सेल ऑफ फिक्स एसेट जिसकी बुक वैल्यू है पचास हजार की फॉर फोर्टी फाइव थाउजेंड देखो कैसे पागल बना रहा है क्वेश्चन तो दो लाख के मेरे करेंट एसेट से मैंने पचास हजार के फिक्स एसेट पैतालीस हजार में बेचे तो यानी कि फोर्टी फाइव थाउजेंड से मेरी कैश बढ़ गई मेरे को कैश कितना मिला होगा पैतालीस हजार का कैश मिला होगा और करंट लाइबिलिटी में तो कोई भी इफेक्ट नहीं है करंट लाइबिलिटी में नो no इफेक्ट तो क्या आ जाएगा आपका रिवाइज फिगर आ जाएगी टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन लैक दैट इज टू पॉइंट फोर फाइव वन टू पॉइंट फोर फाइव से रेशियो क्या हो गई बढ़ गई तो यहां पे क्या चेंज हो गया ये बढ़ गया ठीक है फिर वीडियो अटक गई है मैं रुक गया हूं इससे पहले कि आप चैट चार्टुक बोलने लग जाओ मैं रिकनेक्ट शन सक्सेसफुल ओके मेरे ख्याल से हो गया दोबारा से कनेक्ट रिद्धिमा आप थोड़ा पीछे करके देख लेना ना इतना टाइम ऑलरेडी लगा दिया इस क्वेश्चन में जितना मुझे लगाना नहीं था रिदिमा जी अब मेरे को पहले पूरा सवाल खत्म कराने दो फिर बताना क्या क्या रिपीट करना है ठीक है हो गया चल गया चलिए अब चल मेरे को पहले पूरा सवाल खत्म करने तो फिर बताता हूं क्या रिपीट करना है तो एच वाला में कैश कितना रिसीव हुआ होगा फोर्टी फाइव थाउजेंड पे सेल किया उतना ही तो कैश मुझे मिला होगा तो फोर्टी फाइव थाउजेंड से बढ़ गई कितनी करंट एसेट बढ़ गई कैश बढ़ गया फोर्टी फाइव थाउजेंड से यह वाला और अब मेरी रिवाइज करंट एसेट आ गई टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड की करंट लाइबिलिटी में नो no चेंज है ना करंट लाइबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं हुआ तो नई रेशियो मेरी कितनी निकल के आ गई टू पॉइंट फोर फाइव इज टू वन तो टू इज वन से बढ़ के हो गई टू पॉइंट फोर फाइव इस टू वन ठीक है जी चलिए अब आई देखो कैसे पागल बना रहा है दोबारा से आई बोलता है सेल ऑफ फिक्स एसेट बुक वैल्यू जिसकी है पचास हजार फोर रुपीज सिक्सटी थाउजेंड अब बुक वैल्यू से क्या लेना देना फिक्स्ड ना ही करंट एसेट होता है ना ही होता है. तो भी क्या लेना देना है, कि भाई जो है मुझे मिला. तो आई वाला भी वैल्यू की तरह होगा. दो लाख रुपए के मेरे करंट एसेट से अबेंड को मिले होंगे कैश में करंट लाइबिलिटी में अगेन नो चेंज तो अब आपकी रिवाइज करंट रेशियो कितनी निकल के आ जाएगी आई थिंक टू पॉइंट सिक्स इज टू वन आ जाएगी, तो सेम इफेक्ट हो गया यानी करेंट रेशियो बढ़ गई अब मुझे बता फटाफट क्या रिपीट करना है अब मेरे को बता दीजे, क्या रिपीट करना है कौन सा पॉइंट रिपीट करना है मैं जल्दी से रिपीट करूं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है है ना ऑलरेडी आज दिन थोड़ा खराब चल रहा है तो मैं नहीं चाहता और टाइम वेस्ट हो तो मुझे फटाफट से बताओ कौन सा पॉइंट रिपीट करना है आई थिंक सी और डी कह रहा था कह रही थी एक बच्ची एक बालिका जी मेरे को सी और डी कह रही थी कौन कौन था कौन था रिधिमा कह रही थी सर सी एंड डी नहीं आया ठीक है ओके रिधिमा सी एंड डी क्या है भाई सी बी बोलता है बिल्स रिसीवेबल एंडोस्ट टू अ क्रेडिटर अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोग इलेवेंथ क्लास का कॉन्सेप्ट भूल गए हो जब मेरे पास बिल्स रिसीवेबल होते हैं बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं मेरे लिए करंट एसेट्स होते हैं इंडोर्स करने का मतलब क्या होता है मान लो मेरे पास एक क्रेडिटर खड़ा है जिसको मेरे को पैसे देने हैं और ये बिल्स रिसीवेबल क्या है ये पैसे मेरे को मिलने हैं ये पैसे मेरे को मिलने हैं और ये मुझे पैसे देने हैं इंडोर्स करने का मतलब ये होता है कि मैं बोलता हूं कि भाई ये बिल्स रिसीवेबल क्रेडिटर को बोलता हूं ये आप रखो तो जो भी पैसे मेरे को यहां मिलने थे वो यहां आने की जगह क्या चले जाते हैं वो इधर चले जाते हैं ठीक है तो बेसिकली इसका इफेक्ट क्या होता है बिल्स रिसीवेबल मेरे कम हो जाते हैं एक करंट एसेट कम हो जाती है और साथ ही साथ जो क्रेडिटर मेरे को पैसे देने थे ये भी कम हो जाता है ठीक है तो मेरे बिल्स रिसीवेबल भी खत्म हो जाते हैं और क्रेडिटर्स भी खत्म हो जाते हैं तो सीओडी में हमने यही किया देखो सीओडी मतलब बेसिकली और भी जैसा ही था तो सेम मान लो मान लो फिफ्टी थाउजेंड के मेरे बिल्स रिसीवेबल थे जो मैंने फिफ्टी थाउजेंड के क्रेडिटर्स को इंडोर्स कर दिए तो यानी कि मेरे फिफ्टी uh, थाउजेंड से मेरा बिल्स रिसीवेबल यानी करंट एसेट भी कम हो गया और फिफ्टी का मेरा एक क्रेडिटर यानी करंट लाइबिलिटी भी कम हो गया तो मेरी रिवाइज पोजिशन के ये आ गई एंड मैंने दोबारा से के रेशियो कैलकुलेट कर दिया ठीक है तो आई बिलीव अब ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा चलिए अब मुझे बता दीजिए अच्छा सी बी बोल रहे थे सीबी सिमिलर है नहीं सॉरी डी भी बोल रहे थे फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर तो फाइनल डिविडेंड क्या है मेरी करंट लाइबिलिटी है अनपेड डिविडेंड मेरी करंट लाइबिलिटी होती है तो वो मैंने पे कर दी तो यानी मेरी करंट एसेट कैश भी कम हो गया और करंट लाइबिलिटी यानी अनपेड डिविडेंड भी कम हो गया तो सेम इफेक्ट आएगा करंट एसेट भी कम करेंट लाइबिलिटी भी कम सो इफेक्ट विल बी सेम ठीक है जी चलिए अब नाउ आई वोट वेट आई वोट वेस्ट एनी मोर टाइम मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि इतना टाइम हम नहीं लगा सकते ठीक है टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है तो वी नीड टू मूव फॉरवर्ड तो अब आप लोग सारे बच्चे वापस से कॉन्सेप्ट में आ जाओ हम नया रेशियो स्टार्ट करते हैं अब अपना सेकेंड रेशियो सेकेंड रेशियो जिसका नाम है लिक्विड रेशियो जिसको हम बोलते हैं कभी कभी क्विक रेशियो भी और जिसको हम कभी कभी बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो चलिए ठीक है जी <coughs> तो नया है आपका कॉन्सेप्ट लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो इसके नोट्स लिख लेते हैं इसमें पहला एरो डाल के लिखना इट आल्सो मेजर्स इट आल्सो मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस to meet it's short term financial obligation financial obligation या दूसरी भाषा में बोलूं तो करंट लायबिलिटीज ठीक है कॉमा डाल के लिखना बाय एस्टैब्लिशिंग एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अ रिलेशनशिप बिट्वीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज ठीक है नेक्स्ट एरो में डाल के लिखना लिक्विड एसेट क्या होते हैं लिक्विड एसेट का क्या मतलब होता है एसेट्स विच कैन बी या दैट कैन बी कन्वर्टेड इंटू कैश कन्वर्टेड इंटू कैश इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी नीचे लिखेंगे थोड़ी देर में पहले और दो चार बातें लिख लेते हैं इट इज एक्सप्रेस्ड एज प्योर रेशियो तो ये रेशियो भी करेंट रेशियो की तरह प्योर रेशियो की तरह एक्सप्रेस किया जाता है नेक्स्ट है आइडियल रेशियो इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए और एमसीक्यू में तो पूछ ही सकता है तो वन इज टू वन होती है इसकी आइडियल रेशियो जो आपको याद रखनी है करेंट रेशियो की कितनी आइडियल रेशियो होती है ये मुझे कौन बच्चा बताएगा मैं चैट पे देखना चाहता हूँ कौन बच्चा मुझे बताएगा करेंट रेशियो की कितनी आइडियल रेशियो होती है आप लोग जवाब लिखो तब तक मैं आगे लिख रहा हूँ इसका फॉर्मूला मुझे फटाफट से चैट में बताओ कि करेंट रेशियो की क्या आइडियल रेशियो होती है तो सोनम का सबसे पहला आंसर आ गया टू टू वन बिल्कुल ठीक सिया को अभी सही आ गया टू टू वन कामिनी को भी याद है श्वेता जी को भी याद है निवी जी को भी याद है वेरी गुड वेरी गुड चलो सारे बच्चों को याद है चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि क्या है कि लिक्विड या क्विक रेशियो कैसे निकलता है यानी इसका क्या फॉर्मूला होता है तो इसका फॉर्मूला भी करंट रेशियो जैसा होता है करंट रेशियो में हम बोलते हैं करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी यहां हम बोलेंगे लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी और नीचे स्टार डाल के लिख लो कि लिक्विड एसेट कैसे निकलते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है लिक्विड एसेट निकालने का जो आप लोगों को शायद पता होगा कई बच्चों को करंट माइनस करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री माइनस इन्वेंट्री तो आपके uh, निकालने का क्या फॉर्मुला होता है कन्वर्ट -फट हो सकते हैं बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं ठीक है थीके? तो प्रीपेड एक्सपेंस तो वैसे कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता हमको पता है ठीक है इन्वेंट्री क्या इन्वेंट्री हम ऐसा मान के चलते हैं जनरली कि इन्वेंट्री आसानी से कैश में नहीं कन्वर्ट हो सकती क्योंकि इन्वेंट्री जब तक आगे बिकेगी नहीं तब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती so, भी हम ये करके चलते हैं कि लिक्विड एसेट कैलकुलेट करते वक्त कि भैया इन्वेंट्री करंट एसेट में से हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती ठीक है चलिए अच्छा एक होमवर्क आप आपको दे रहा हूं खुद से पढ़ने के लिए डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो ये आप घर पे एक बार किताब से पढ़ लेना रीड फ्रॉम बुक रीड फ्रॉम बुक ठीक है तो घर आफ्टर द क्लास आप एक बार रीडिंग मार लेना ठीक है एक बार आप पढ़ लेना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस कॉन्सेप्टचुअली इतना ही है तो सारे बच्चों ने इतना लिख लिया तो मुझे ग्रीन सिग्नल दो ताकि हम आप क्वेश्चन कर पाए ठीक है अब मुझे आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ाना है तो मेरे को फटाफट से ग्रीन सिग्नल दे दीजिए सारे बच्चे तब तक मैं चेक कर लूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें अभी अभी तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम चल रही है चलिए अरे वैभव जी लिक्विड एसेट मतलब करंट एसेट ही होता है बस करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री हटा देनी होती है ठीक है तो करंट एसेट्स के जो एक्साम्पल है वही लिक्विड एसेट्स के भी होंगे प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री एक छोड़ के ठीक है जी चलिए तो बच्चे मुझे ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं तो चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं करके सबसे पहले एक बेसिक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पेज है फोर पेज है फोर तो मैं आपके सामने क्वेश्चन खोल लेता हूं तो हो इसको साइड करना पड़ेगा चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो तो आपको करंट एसेट्स दे रखे हैं पूरे के पूरे उसमें से इन्वेंट्रीज भी आपको दे दी प्रीपेड एक्सपेंस भी दे दिए और देखो पागल बनाने के लिए आपको ट्रेड रिसीवेबल्स भी दे दिया ठीक है आपको पागल बनाने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स भी दे दिया तो बेसिकली जब करंट एसेट्स दे रखा है तो उसमें इन्वेंट्रीज भी इंक्लूडेड होगी प्रीपेड एक्सपेंस भी इंक्लूडेड होंगे और ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्लूडेड होंगे ठीक है इसके अलावा आपको करेंट लाइबिलिटीज भी दे रखी है तो फटाफट से निकाल लेते हैं हम लोग आइए तो सबसे पहले आप लोग निकाल लो लिक्विड एसेट लिक्विड एसेट एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा लिख लेता हूं इट मीनस करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस ठीक है जब आप लोग अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में तो मेरी एडवाइस ये रहेगी जितनी बार आप अपने हाथ से सवाल कर रहे हो आप फॉर्मूला लिखते जाओ जब तक फॉर्मूला आपके दिमाग में चिपक ना जाए बिल्कुल फेबी क्विक से चिपक ना जाए जब तक आप लोग फॉर्मूला लिखते रहना जब भी क्वेश्चन कर रहे हो ठीक है तो करंट एसेट कितना दे रखा है आपको करंट एसेट है आपका दो लाख इसमें से आपको इन्वेंट्री माइनस करनी है तो इन्वेंट्री कितनी है इन्वेंट्री है आपकी फिफ्टी थाउजेंड की और प्रीपेड एक्सपेंस है आपके टेन थाउजेंड के तो ये कितना आ जाएगा सॉरी ठीक है अब आप लिक्विड रेशियो रेशियो या या क्विक या जो भी बोलना चाहो वो निकाल सकते हो इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज वन लैख ,00, फोर्टी थाउजेंड लिक्विड एसेट है करेंट लाइबिलिटी तो क्वेश्चन में दे रखा है सेवेंटी थाउजेंड का तो आंसर कितना आ जाएगा टू इज टू वन टू इज टू वन ध्यान रखना प्योर रेशियो में इसको एक्सप्रेस किया जाता है चलो बढ़ जाऊं आगे मुझे बताओ फटाफट से बढ़ जाऊं कि नहीं जल्दी से आगे बताइए मुझे ग्रीन सिग्नल दे दीजिए चलिए मूव अहेड कह रहे हैं बच्चे चलिए वेरी गुड आइए अगला ही क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेम पेज नंबर है क्वेश्चन नंबर है, करते हैं तो क्वेश्चन नंबर में खोल लेता हूं आपके सामने तो क्वेश्चन एटीन में कह रहा है क्विक एसेट्स हैं आपके तीन लाख रुपए के इन्वेंट्री दे रखी है एट्टी थाउजेंड की प्रीपेड एक्सपेंस आपको दे रखे ट्वेंटी थाउजेंड के और वर्किंग कैपिटल दे रखा है टू लाख फोर्टी थाउजेंड इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो तो आपको क्विक एसेट्स इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस दे रखे है वर्किंग कैपिटल दे रखी है टू लैक फोर्टी की आपको करंट रेशियो निकालना है ठीक है ध्यान से क्या निकालना है करंट रेशियो इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपको एमसीक्यूज में बड़े इजीली इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपको एमसीक्यूज में बड़ी इजीली तो सबसे पहली बात लिक्विड एसेट का क्या फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस यही फॉर्मूला होता है तो अगर इससे मैं बोलू कि करंट एसेट निकालो तो क्या आप इसको थोड़ा घुमा फिरा करेंट एसेट निकाल सकते हो ये सारी चीज इधर लेके चले जाओ तो इसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंस बस एसेट अब आप निकाल सकते हो तो आपको करंट एसेट लिक्विड एसेट दे रखा है लिक्विड एसेट आपको दे रखे हैं तीन लाख रुपए के और इन्वेंट्री और, और कितनी दे रखी है इन्वेंट्री आपको दे रखी है अस्सी की और प्रीपेड दे रखा है एट्टी का सॉरी ट्वेंटी का तो एटी प्लस ट्वेंटी तो ये आ जाएगा फोर लाख ,00 अब आपको करंट लाइबिलिटी निकालनी है वो कैसे निकालोगे वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले से तो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मुला होता है रिवाइज करने के लिए करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी तो ये आपको कितनी दे रखी है वर्किंग कैपिटल टू लाख फोर्टी की दे रखी है तो टू लाख फोर्टी थाउजेंड ज इक्वल टू करंट एसेट चार लाख ऊपर आपने निकाल लिए माइनस करेंट लाइबिलिटी दिस मीन करेंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी करंट लाइबिलिटी है अब आपने को बोला है क्वेश्चन में करंट रेशियो निकालने को तो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी करंट एसेट आपने चार लाख ,00 के कैलकुलेट कर लिए और करंट लाइबिलिटी भी आपने एक लाख साठ हजार की कैलकुलेट कर ली तो ये कितना आ जाएगा टू पॉइंट फाइव वन फोर्टी डिवाइड बाई सिक्सटी टू पॉइंट फाइव इस टू वन टू पॉइंट फाइव इस टू वन तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन ने आपसे करंट रेशियो मांगा था बताइए हो गया सारे बच्चों का मुझे फटाफट से बता दो हो गया इतना सारे बच्चों का चलिए साइना का आंसर आ गया निवि का आ गया श्वेता का आ गया सोनम कह रहे क्लियर सर रिदिमा भी ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं सुनीता डन कह रहे हैं वेरी गुड चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते करेंगे हम क्वेश्चन ट्वेंटी चलो एक बार हम बाकी क्वेश्चन देख लेते क्या है तो एक बार नजर मारते हुए चलते छोटे छोटे तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नाइनटीन क्या है क्वेश्चन नाइनटीन में उसने करेंट एसेट दे दिया इन्वेंट्री दे दिया वर्किंग कैपिटल दे दिया आपको क्विक रेशियो निकालना है बस इसमें तो क्या है करंट एसेट यूज करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री कर दोगे इसको इसको माइनस कर दोगे तो आपका लिक्विड एसेट आ जाएगा वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में करंट एसेट पुट कर देना तो इससे आपका करंट लाइबिलिटी आ जाएगा तो लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी विल बी योर क्विक रेशियो ठीक है तो क्वेश्चन नाइनटीन आप खुद कर सकते हो नेक्स्ट हमको करना चाहिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी कहता है करंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी आर करंट ऑफ अ कंपनी आर सिक्स लाख रुपीज करंट रेशियो दे रखा है का लिक्विड रेशियो भी 1 -1 दे रखा है तो आपको इसमें करंट रेशियो भी दे दिया लिक्विड रेशियो भी दे दिया और करंट लाइबिलिटी दे दिया क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चलिए तो वी आर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको इसमें करंट रेशियो दे रखा है और क्विक रेशियो दे रखा है करंट रेशियो कितना दे रखा है थ्री इज टू वन और लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो आपको दे रखा है वन इज टू वन है ना तो करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी ये आपको थ्री टू वन दे रखी है इसको आप और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो करेंट एसेट आपको पता नहीं है करेंट लाइबिलिटी क्वेश्चन आपको बता रखी है कितनी बता रखी है छह लाख रुपए तो छह लाख रुपए की आपकी करंट लाइबिलिटी एसेट आपने निकाल दिया सिमिलर वे में लिक्विड रेशियो क्या फॉर्मूला क्या, क्या, क्या होता है लिक्विड एसेट अपऑन करेंट लाइबिलिटी ये आपको वन इस टू वन दे रखा है तो यहां पे भी आप निकाल लो लिक्विड एसेट तो लिक्विड एसेट आप निकाल सकते हो करेंट लाइबिलिटी छह लाख की है दिस इज इक्वल टू वन बाय वन दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज लिक्विड एसेट कितने आ जाएंगे आपके सिक्स लैक्स के सिक्स लैक्स के नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड एसेट का क्या फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस प्रीपेड एक्सपेंस लिक्विड एसेट आपने छह लाख के निकाल रखे हैं करंट एसेट भी आपने आई थिंक एसे निकाला था यस तो करंट एसेट आपने लाख का निकाला था इनवेंट्री वो आपको निकालने बोल रहा है प्रीपेड एक्सपेंस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको मैं जीरो मान लेता हूं बस इन्वेंट्री को इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी इन्वेंट्री विल बी एटीन लैख माइनस सिक्स लैक्स दैट इज ट्वेल्व लैक्स दैट इज ट्वेल्व लैक्स बस क्वेश्चन आपसे यही मांगा था चलिए फूल ने मेरे से पहले निकाल दिया था और बच्चे बता दो हो गया चलिए बाकी बच्चे बता दीजिए सब बच्चों का आंसर आ गया इसमें मुझे बता दो सारे बच्चों तो आ गया आप सबका आंसर <coughs> चलिए बच्चा कह रहे हैं आ गया आंसर एक बच्चा गुड इवनिंग लिख रहा है वेरी वेरी गुड इवनिंग सारे क्वेश्चन इजी है चिराग इस चैप्टर ये चैप्टर ही पूरा इजी है ठीक है लेकिन कम से कम पांच नंबर का मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस चैप्टर से आएगा तो योर टारगेट शुड भी कि इस चैप्टर से आपके फुल मार्क्स बन जाए ठीक है पांच छह नंबर जो भी नंबर का सवाल आएगा इससे टोटल वेटेज आएगी उतनी आपको कंफर्म करना है कि अगर फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इस चैप्टर में मेरे फाइव आउट ऑफ फाइव कंफर्म हो जाए हंड्रेड परसेंट ठीक है इजी चैप्टर है सब ये नहीं कि हल्के में ले लिया जाए ठीक है चलिए आइए अगला है क्वेश्चन ट्वेंटी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन ट्वेंटी वन भी मैं करा देता हूं आपको क्वेश्चन ट्वेंटी वन मून लिमिटेड हैज अ करेंट रेशियो ऑफ थ्री पॉइंट फाइव इज टू वन एंड क्विक रेशियो ऑफ टू इज टू वन इफ इन्वेंट्रीज़ इज रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड कैलकुलेट करेंट लाइबिलिटीज एंड करंट एसेट अब आपको क्या बोल रहे हैं अब उसने आपको अगेन क्विक रेशियो करेंट रेशियो दोनों दे दिया इस बार उसने इन्वेंट्री की वैल्यू दे दी उस बार इसने इन्वेंट्री की वैल्यू दे दी आपसे करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट निकालने कह रहा है आइए चलिए जी बेसिकली करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन ने आपको दे रखी है थ्री पॉइंट फाइव टू वन दैट इज थ्री पॉइंट फाइव अपॉन वन ठीक है तो इसमें ना ही आपको करेंट एसेट की वैल्यू पता है ना ही आपको करेंट लाइबिलिटी की वैल्यू पता है तो अभी के लिए इसको मैं सॉल्व करके बोल सकता हूं कि करंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सिमिलरली आपको क्विक रेशियो भी दे रखा है यानी लिक्विड रेशियो भी दे रखा है उसमें बोलता है क्विक एसेट मतलब फॉर्मुला होता है क्विक एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी और वो बोलता है टू इज टू वन दैट इज टू अपॉन वन तो इसमें मैं कह सकता हूं क्विक एसेट इज इक्वल टू टू इंटू करंट लाइबिलिटी ठीक है आइए अच्छा उसने क्वेश्चन ने आपको इन्वेंट्री की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन ने आपको इन्वेंट्री की वैल्यू दे दी है तो आपको पता है करंट एसेट कैसे निकलता है या क्विक एसेट कैसे निकलता है क्विक एसेट निकलता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस इन्वेंट्री क्विक एसेट आपने बोल दिया टू इंटू करंट लाइबिलिटी है और करंट एसेट आपने ऊपर बोल दिया थ्री पॉइंट फाइव इंटू करंट लाइबिलिटी और इन्वेंटरी की वैल्यू रखी दे रखी है इनवेंट्री की वैल्यू रखी है चौबीस uh, हजार की आ जाएगा इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो करेंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी ट्वेंटी फोर थाउजेंड डिवाइड बाय पॉइंट फाइव ट्वेंटी फोर थाउजेंड डिवाइड बाई वन पॉइंट फाइव तो ये कितना आ रहा है ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई वन पॉइंट फाइव तो यह आ रहा है आपसे करंट एसेट और क्या क्या मांगा था क्वेश्चन ने आपसे बोला था करंट लाइबिलिटी निकालो और करंट एसेट निकालो बस यही तो मांगा था उसमें तो बस करंट एसेट आप निकाल सकते हो तो करंट एसेट क्या है थ्री पॉइंट फाइव इंटू करंट लाइबिलिटी दैट इज थ्री पॉइंट फाइव इंटू सिक्स थाउजेंड तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो थ्री पॉइंट फाइव इंटू थाउजेंड तो ये आ जाएगा फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड बस खत्म यही था तो आपसे उसने करंट लाइबिलिटी और करंट एसेटी तो मांगा था हो गया आप निकाल दिया चलिए बताइए आगे बढ़ जाऊं फटाफट से बताओ आगे बढ़ जाऊं कि नहीं स yes, सानिया बिल्कुल ठीक बोला आपने सारे क्वेश्चन इजी है सुनीता चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ठीक है बीच के क्वेश्चन आप सिमिलर सिमिलर से हैं जैसे मैंने अभी आपको करा दिए एक एक जैसे हैं थोड़ा इधर उधर वाला पॉइंट है तो आप कर सकते हो बाकी बीच के क्वेश्चन अब मैं आपको कराना चाहता हूं क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन पेज नंबर फोर पॉइंट वन जीरो थ्री तो क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन में खोल लेता हूं आपके सामने बीच के क्वेश्चन आप कर सकते हो मैं करा रहा हूं क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन इसको मार्क कर दो इंपॉर्टेंट रिपीट फ्यू क्या रिपीट करना उमेश चलिए वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी मैंने क्वेश्चन खोल दिया क्या आपके सामने हाँ खोल दिया चलिए वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड टोटल डेट्स दे रखे हैं सेवन लैख तो टोटल डेट्स का मैंने लास्ट क्लास में भी मतलब बताया था टोटल डेट्स जब बोलता है debts जब use होते हैं ठीक है तो जब टोटल डेट्स वर्ड यूज हो जाए तो समझ जाना वो करेंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी का टोटल बोल रहा है तो टोटल डेट्स आपको दे रखे हैं के लॉन्ग टर्म डेट्स आपको बोल दिए सिक्स लाख के इन्वेंट्रीज बोल दिया आपको एटी थाउजेंड की अब आपसे बोल रहा है कि भाई लिक्विड रेशियो निकालो आओ जी बच्चों वाले सवाल हैं सारे के सारे तो सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं करंट लाइबिलिटी आप कैसे निकालोगे तो ये आप निकाल सकते हो बाय टोटल डेट्स माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी तो टोटल तो डेट्स में से जब नॉन करेंट लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो आ जाएगी आपकी करंट लाइबिलिटी और टोटल डेट्स क्वेश्चन में बोले सेवन थाउजेंड के

तो करंट एसेट माइनस वन लाख एटी थाउजेंड तो करंट एसेट आपका कितना तो क्या, क्या होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी लिक्विड एसेट के लिए आपको क्या करना है पांच लाख चालीस हजार के करंट एसेट है इसमें से इन्वेंट्री माइनस कर दो कितने दे रखे इन्वेंट्री एक लाख अस्सी

हाँ मैंने मेमोरी टेक्निक वही बताई थी अक्षीम जब आप अपने हाथ से सवाल कर रहे हो रेशो के चैप्टर के अभी तो मैं जल्दी जल्दी लिखवा लेता हूँ आप लोग भी मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी शायद लिखते हो लेकिन जब आप अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो जितनी बार सवाल कर रहे हो उतनी बार आप फॉर्मूला लिखो ठीक है आप बोर हो जाओगे आपका मन नहीं करेगा लेकिन फिर भी बार बार फार्मूला लिखो अगर करंट रेशियो का क्वेश्चन कर रहे हो तो करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटी पूरा लिखो जब वर्किंग कैपिटल यूज कर रहे हो तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी लिख लो तो सारे फॉर्मुले आप हाथ से बार बार लिखो जब आप सवाल कर रहे हो आपका अपने आप ही वो सारे फॉर्मुले दिमाग में चिपक जाएंगे ठीक है बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से तो वही है ठीक है जी अब मुझे बताइए मैं आगे बढ़ जाऊं कि नहीं <coughs> आगे बढ़ा जाए कि नहीं चलिए मुझे फटाफट से कंफर्म कर दो कि मैं आगे बढ़ सकता हूं कि नहीं चलिए बच्चे कह रहे हैं बढ़ जाइए वेरी गुड चलिए नेक्स्ट हमको करना है क्वेश्चन नंबर अगला ही अट्ठाईस क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस पेज है फोर पॉइंट वन जीरो थ्री फोर क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज टू इज टू वन स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंप्रूव इंप्रूव का मतलब क्या हुआ बढ़ना रिड्यूस यानी कम होना या नॉट चेंज दैट इज नो चेंज नॉट चेंज द क्विक रेशियो तो सेम क्वेश्चन अभी जैसे हमने करेंट रेशियो का करा था आपको रेशियो दे दिया अलग अलग ट्रांजेक्शन दे दिए आपको निकालना है कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन से मेरे रेशियो बढ़ेगा कौन से ट्रांजेक्शन से रेशियो कम हो रहा है या कौन सी ट्रांजेक्शन से मेरा रेशियो अनचेंज है ठीक है तो फटाफट से क्या क्या ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ट्वेंटी फॉर ट्वेंटी है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ट्वेंटी थाउजेंड फॉर ट्वेंटी टू थाउजेंड है और लास्ट है सॉरी क्विक रेशियो दे रखा है आपको कितना टू इस टू वन तो बिल्कुल वही ट्रिक यूज करनी है आपको वही ट्रिक यूज करनी है आप अज्यूम कर लो कोई भी फिगर वही ले, ले लेते हैं टू लैख और वन लैख तो टू लैख और वन लैख हम अज्यूम कर लेते हैं टू लैख क्या है मेरा क्विक एसेट है और वन लैख क्या है मेरा करंट लाइबिलिटी है ये मैंने अज्यूम कर लिया दिस आई अज्यूम चलिए तो पहले में कहता है अब मैं क्वेश्चन नहीं खोलूंगा बार बार पहला बोलता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश तो परचेज ऑफ गुड्स से क्या हुआ होगा एक तो मेरा कैश कम हुआ होगा क्योंकि मैंने कैश में परचेस किया है और मेरा स्टॉक बड़ा होगा और मेरा स्टॉक बड़ा होगा लेकिन अब ध्यान रखना क्विक एसेट्स में स्टॉक आता ही नहीं है क्विक एसेट्स में स्टॉक होता ही नहीं है तो यानी कि सिर्फ जो कैश कम हुआ होगा मान लो कौन सी फिगर ले ले अच्छा नहीं टू अपॉन वन नहीं दे रखा ओहो मैंने पुरानी क्वेश्चन की फिगर उठा ली चलो कोई नहीं कोई नहीं मैंने पुरानी क्वेश्चन की फिगर उठा ली पॉइंट एट इस टू वन दे रखा था तो यानी पॉइंट एट अपॉन वन इसको मैं मान लेता हूं मान लेता हूं एटी थाउजेंड अपॉन वन लैक ठीक है चलो मैंने गलती से पुराना ही रेशो उठा लिया था जो पिछले क्वेश्चन में लिया था हमने चलो ठीक है तो अब आपका रिवाइज रेशियो क्या हो जाएगा न्यू क्विक रेशियो न्यू क्विक रेशियो कितनी हो जाएगी एट्टी थाउजेंड के क्विक एसेट है अब आपका कैश चला गया मान लो कितना फिगर ले लें अच्छा फिगर उसने बता रखी है क्या क्वेश्चन में नहीं बता रखी तो, तो मान लो हमने पांच हजार रुपए का पांच हजार रुपए का हमने कैश पे नया गुड्स लिया तो मेरे कैश कम हो गए पांच हजार से यानी मेरे क्विक एसेट्स कम हो गए पांच हजार से अब मेरे स्टॉक भी बढ़े होंगे पांच हजार रुपए से लेकिन क्विक एसेट में स्टॉक आता ही नहीं है तो वो तो यहाँ पे कोई इसका इफेक्ट आएगा ही नहीं नीचे तो फिगर वही रहेगी वन लैख की तो नई फिगर आ जाएगी आपकी सेवेंटी फाइव थाउजेंड अपॉन वन लैख तो नया रेशो कितना आके निकल के आ जाएगा पॉइंट सेवन फाइव इज टू वन तो यानी कि रेशियो क्या हो गई कम हो गई पॉइंट एट से कम होके पॉइंट सेवन फाइव हो गई चलिए ओहो <laughs> चलो कोई बात नहीं अब ऐसा करो अब ऐसा करो ये मान के चल लो अब मैं बार बार नहीं चेंज कर रहा अज्यूम कर लो यही ठीक है कॉन्सेप्ट तो सेम है कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है तो आप अभी आप ये रिज्यूम कर लो क्वेश्चन ट्वेंटी एट में मान लो पॉइंट एट है आप बाद में अपने आप से करके देख लेना ठीक है तो इसको मैं बोल देता हूं मॉडिफाइड क्वेश्चन ट्वेंटी एट को मैंने मॉडिफाई कर दिया मैंने मान लिया पॉइंट एट इस ठीक है चलो कोई बात नहीं कॉन्सेप्ट तो सेम है बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यस यस वही वही मैं कह रहा हूं सिया इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया ठीक है चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं क्या बोलता है सेकंड में वो बोल रहा है सेकंड में वो बोल रहा है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट यानी हमने क्रेडिट पे कुछ गुड्स परचेज करे तो अब न्यू क्विक रेशियो कितनी आ जाएगी पुराने क्विक एसिड से एटी के अब मैंने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे हैं मैंने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे हैं मान लो हां जी तो मैंने परचेज करे गुड्स क्रेडिट पे यानी मेरा स्टॉक बढ़ गया होगा अब मेरा क्या हो गया होगा स्टॉक बढ़ गया होगा लेकिन स्टॉक क्विक एसेट पे आता ही नहीं है यानी लिक्विड एसेट का पार्टी नहीं होता तो वो मेरे को कंसिडर करना ही नहीं है अब मेरी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी अब मेरी एक लाख रुपए से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि मेरे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे कितनी हो जाएगी मेरी लाइबिलिटी मान लो पांच हजार रुपए का गुड्स खरीदा होगा तो अब मेरा नया रेशियो कैसे निकल के आ जाएगा अपॉन तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये रेशियो कम हो रही है वैसे तो दिख रहा है तो जब आप इसको करोगे तो ये अराउंड आ रहा है पॉइंट सेवन सिक्सू वन आ रहा है पॉइंट सेवन सिक्स आ रहा है यानी ये कम हो रहा है ठीक है जी चलिए थर्ड आ जाते हैं थर्ड क्या कह रहा है भाई वो थर्ड कहता है चलिए तो थर्ड वो कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग बीस हजार हमने बेचे बीस हजार रुपए में तो बीस हजार रुपए के गुड्स मैंने मान लो बेचे बीस हजार रुपए मान लो कैश में बेचे होंगे मान लो कैश में बेचे होंगे एक मिनट देना जरा हम्म तो मान लो मैंने बीस हजार रुपए के कैश सेल कर दी तो थर्ड वाला भी आ जाओ तो बीस हजार रुपए यानी मेरे एट्टी थाउजेंड के करंट रेशियो करेंट क्विक एसेट था सॉरी अब नया रेशियो के लिए एट्टी थाउजेंड से मेरे पांच हजार रुपए की कितने की सेल मान लो अच्छा बीस हजार दे रखिये ना ट्वेंटी तो थाउजेंड से मेरे मान लो कैश बढ़ गई होगी दूसरा इफेक्ट यह होगा कि मेरा स्टॉक कम हो गया होगा मेरा स्टॉक कम हुआ होगा लेकिन अगेन स्टॉक तो पार्ट होता ही नहीं क्विक एसेट का तो उसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं और नीचे तो मेरी वही सेम रहेगी वन लैख की वन लैख ,00 की रहेगी तो यह कितना आ जाएगा वन लैख अपॉन वन लैख दैट इज वन इज टू वन वन इज टू वन वन इज टू वन यानी मेरा पॉइंट एट से रेशियो कम बढ़ के हो गया वन इज वन तो ये भी क्या हो गया इंक्रीज हो गया ठीक है जी चलिए आ जाइए जी फोर्थ पे फोर्थ कहता है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग फॉर तो सेम एज अब सेम एज थ्री ठीक है बस सेल की वैल्यू तो चेंज हो गई बीस हजार से बाईस हजार हो गई तो अब क्या क्या होगा एट्टी थाउजेंड पर आप ट्वेंटी टू थाउजेंड एड कर दोगे तो

लेकिन मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स भी कम हो गए साइड बाय साइड तो टेन थाउजेंड से मेरे करंट ट्रेड रिसीवेबल्स भी कम हो गए यानी से मेरा करंट एसेट बढ़ भी गया और टेन थाउजेंड से कम भी हो गया और नीचे तो कोई चेंज नहीं है तो फाइनल रेशियो वही आएगा आपका 80,000 थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन लैख दैट इज पॉइंट एट आपका क्या हो गया यहां पे नो no चेंज हो गया नो no चेंज नो no चेंज चलो मेरे को बता दो क्लियर हो गया सबको एक क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर हो गया सारे बच्चों को चलो मेरे को बताओ मैं आगे बढ़ सकता हूं कि नहीं अगला कौन सा क्वेश्चन कराऊं? <coughs> चलिए अब क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन और थर्टी आप खुद कर सकते हो कि नहीं मेरे को बता दो एक बार सेम तरीका यूज करना है मैंने आपको ऑलरेडी दो क्वेश्चन तो, दो करा दिए मैं आपके सामने क्वेश्चन खोल लेता हूं ट्वेंटी नाइन और थर्टी दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है देख सकते हो आप तो बताओ मेरे को ट्वेंटी नाइन और थर्टी कर सकते हो कि नहीं या कोई क्वेश्चन कराऊं मैं तो मैंने क्वेश्चन थर्टी की फिगर लिख रखी थी पॉइंट तो मैंने गलती से यहां से उठा लिया था तो कोई बात नहीं फंडा सेम है तरीका सेम है कॉन्सेप्ट सेम है कॉन्सेप्ट में तो कोई बदलाव नहीं है आप मेरे को बताओ ट्वेंटी और थर्टी खुद कर सकते हो कि नहीं ये सुरवेश एमसी में ऐसी ऐसी कैलकुलेशन करनी है बिल्कुल ठीक बोला आपने मेरे को बताओ ट्वेंटी नाइन और थर्टी खुद कर लोगे तो बच्चे कह रहे खुद कर लेंगे <coughs> कर लेंगे अपने आप ओके वेरी गुड वेरी वेरी गुड आइए जी अब हम करते हैं और सवाल तो तीन कर लेते हैं तो मैं स्क्रीन पे एक बार वापस आ जाऊं क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम क्वेश्चन थर्टी फोर पेज नंबर क्या है भाई पेज नंबर है आपका फोर पॉइंट क्वेश्चन थर्टी मार्क कर देना ऊपर के जो क्वेश्चन तो मैं छोड़ रहा हूं अब आप, आप खुद कर लेना क्योंकि सेम सेम से क्वेश्चन है अच्छा बाय द वे बाय द वे एक मिनट रुक जाओ एक, एक आप सभी को तो तब तक मुझे बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है चलो आई थिंक अब वापस से आ गया भाई अब चलेगा कि नहीं चलेगा तू कि बार बार अटकता रहेगा बता दे हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं ना हमारे हाँ, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं भाई तू चलेगा कि रुकेगा अभी बता दे एक बार में रुक जा जितना रुकना है चलो भाई अब कह रहा है भाई वो तो सब हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा ठीक है जी तो मैं आपको एक बार दोबारा बोल देता हूं मैंने जो यहां पे लिखा भी हुआ स्क्रीन पे क्वेश्चन थर्टी टू और थर्टी थ्री अभी होल्ड कर देना इसको आप बाद में करेंगे ठीक है इसको हम लोग लेटर ऑन करेंगे जब कैपिटल इंप्लॉयड इसमें एक टर्म यूज हो रहा है देखो कैपिटल इंप्लॉयड तो ये हम लास्ट वाले रेशियो में पढ़ते हैं कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले ठीक है तो वहां पर जब हम कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला पढ़ लेंगे उस टाइम पे हम उसके बाद इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर लेंगे तो थर्टी टू और थर्टी थ्री को अभी होल्ड कर दे रहा लेटर चलो अब हम वापस अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन थर्टी फोर पे फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो तो आपको इस क्वेश्चन में दोनों रेशियो कैलकुलेट करने करंट रेशियो भी और क्विक रेशियो भी छुट्टी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में मीना आइए तो यहां पे आपको अगेन टोटल डेट्स दे रखे हैं टोटल डेट्स का मतलब मैं बता चुका हूं करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी टोटल एसेट्स भी आपको दे रखे हैं फिक्स एसेट दे रखा है आपको टेंजेबल वाला नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है और 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 लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी दे रखे हैं इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं चलो अभी चल रहा है कि अटक गया है देख लू एक बार चल रहा है अभी ठीक है <coughs> तो आपको इस क्वेश्चन में दोनों भी निकालने करंट रेशियो भी और क्विक रेशियो भी तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है करंट एसेट्स क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको सारी चीजें मतलब इसका मतलब कैलकुलेट करनी है पहले तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं करंट एसेट्स कैसे निकलता है टोटल एसेट्स में से अगर आप नॉन करंट एसेट्स माइनस कर दो तो आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे सिंपल तो टोटल एसेट्स आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में सिक्सटीन लैक्स अब नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा तीन चीजें आई थिंक दे रखी है एक तो आपको फिक्स एसेट दे रखे हैं छह लाख रुपए के फिक्स एसेट दे रखे हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एक लाख रुपए का दे रखा है और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस भी एक लाख रुपए का दे रखा है तो तीनों चीजें माइनस कर दो तीनों चीजें माइनस कर दो क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट एसेट होता है और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस भी नॉन करेंट एसेट होता है तो ये तीनों चीजें आप माइनस कर दो तो कि कितना आ रहा है आठ गए ये आ गया एट लाख ये आ गया एट लाख चलो करंट एसेट निकाल गया तो भाई क्विक एसेट भी निकाल सकते हो क्विक एसेट निकाल लो एट लाख ,00 के करंट एसेट है इसमें से प्रीपेड एक्सपेंस और दोनों चीजें माइनस कर दो तो ये कितनी दे रखी है आपको इन्वेंट्री एक नब्बे है और प्रीपेड एक्सपेंस दस है तो वन वन लैख नाइनटी थाउजेंड माइनस टेन थाउजेंड तो ये आ जाएगा सिक्स लैक्स ,00 ये आ गया आपका सिक्स लैक्स करंट लाइबिलिटी भी निकाल सकते हो क्या आप सर yes, निकाल सकते हैं इसमें से आप टोटल डेट में से टोटल डेट में से नॉन करेंट लाइबिलिटी हटा दोगे तो आपकी करेंट लाइबिलिटी आ जाएगी टोटल डेट्स कितने दे रखे हैं आपके बारह लाख के और नॉन करेंट लाइबिलिटी कितनी दे रखी है नॉन करेंट नॉन करेंट नॉन करेंट में दो दे है देखो लॉन्ग टर्म बोरइंग्स दे रखिए और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं है। तो नो दो चीजें दे रखिए चार लाख के लॉन्ग टर्म बोरइंग्स हैं और चार लाख ,00 के लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो ये आ जाएगा आपका चार लाख बस खत्म करंट रेशियो निकाल लोगे करंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी करंट एसेट आपने आठ लाख कैलकुलेट करा और चार लाख के आपने करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करे तो ये क्या आ जाएगा टू अपॉन वन यानी टू इस लिक्विड एसेट या क्विक रेशियो जो भी सॉरी मतलब बोलना है इसका क्या फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी तो इसका ये आपने निकाल दिया था छह लाख और करंट लाइबिलिटी तो आएगा चार लाख की तो ये कितना आ रहा है थिंक अपॉन आ रहा है तो यानी आंसर आ जाएगा टू पॉइंट फाइव इज वन करंट एसेट्स के लिए यू मीन क्विक एसेट्स के लिए ना रिदिमा, तो क्विक एसेट्स के लिए किया ना मैंने क्विक एसेट्स के लिए मैंने दोनों चीजें माइनस करी देखो दस हजार की प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस की है और एक लाख नब्बे की इन्वेंट्री भी माइनस की है, है ना रिधिमा 2.5 टू अच्छा फाइव आ रहा है क्या ओह सॉरी 1.5 आ रहा है ओहो आज मेरे को इस मेरे सॉफ्टवेयर ने बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है सब गड़बड़ गड़बड़ हो रही है कोई बात नहीं तो ये 1.5 आ रहा है चलो बताओ एक क्वेश्चन और करवा लू लास्ट क्वेश्चन अगर आज इतनी अटकी नहीं होती ये चीज तो अभी तक आपकी क्लास भी खत्म हो गई होती ठीक कर दिया मैंने ओम साहू चलो आगे बढ़ जाऊं सर वी आर ऑल्सो हेयर सोनू कह रहे हैं तो मैंने कब मना किया आप नहीं हो यहां पे <coughs> देखो हर्ष आपके पेपर है सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो क्वेश्चंस आपके पास सफिशिएंट हैं किताब के क्वेश्चंस हो गए किताब के एमसीक्यूज हो गए हमने बीच भी में क्विज भी करे हैं वो भी हैं सीबीएसई अब सैंपल पेपर भी निकाल रहा है वो भी है तो मेरा तो मानना यह है कि आपके पास कंटेंट काफी है ठीक है अब आपको सैंपल स्पेशली और लेने की जरूरत नहीं है बट अगर जैसे कुछ मेरी नजर में कुछ अच्छी चीज़ आती है तो मैं आपको बता दूंगा ठीक है जी तब तक आपके पास आई बिलीव कॉन्सेप्ट और कंटेंट बहुत है क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है आपने ये सैंपल पेपर पढ़ के भी रियलाइज करा होगा कि हमने जो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करे हैं उनका कैसे यूज हुआ है एमसीक्यूज में तो आप लोगों को आई बिलीव ये चीज रियलाइज भी हुई होगी है ना चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इस रेशियो का आपका और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्टी तो मैं लास्ट क्वेश्चन जल्दी से खोल लेता हूं इससे पहले कि हमारा फिर से अटक जाए जल्दी से कर लेते हैं इसको भी क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ क्रिसेंट केमिकल्स लिमिटेड एज एट मार्च क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए नहीं क्योंकि डिफिकल्ट है डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन जब प्रैक्टिकली ऐसे ही होती है प्रैक्टिकली जब आप किसी की भाई कंपनी की रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐसे फिगर्स थोड़ी दे रखी होंगी ये इस तरह से प्रैक्टिकली तो ऐसे फिगर आपको नहीं मिलेगी तो like प्रैक्टिकली आप तो आपको और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ कैलकुलेट करना होगा तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली रेलिवेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी है और आपको रेशियो निकालना है तो फॉलोइंग इज द बैलेंस रिसेंट केमिकल्स लिमिटेड एज एट थर्टी मार्च टू तो आपको बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड में कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है नॉन करेंट लाइब्रेटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी है करंट लाइब्रेटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ट्रेड और शॉर्ट टर्म दे रखा है इसके अलावा आपको एसेट साइड में बोल रहा है नॉन करेंट एसेट में पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसमें फिक्स्ड एसेट है टेंजेबल वाले और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है इसके अलावा करंट एसेट्स है जिसमें ध्यान रखना इन्वेंट्री है ट्रेड रिसीवेबल्स है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है आपको देखना है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो आइए जी तो क्वेश्चन में वैसे तो कोई जान नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में क्वेश्चन दो सेकंड का क्वेश्चन है करंट रेशियो होता है भाई आपका करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी तो करंट एसेट की टोटलिंग आप कर सकते हो बैलेंस शीट से बैलेंस शीट में करंट एसेट की तीनों टोटल कर दो इन्वेंट्री पचास दे रखिए ट्रेड रिस तीस दे रखे हैं और कैश एंड कैश रिपेविलेंस बीस दे रखे हैं तो टोटल कितना आ जाएगा फिफ वन लाख रुपीज करंट एसेट का टोटल आ जाएगा वन लाख रुपीज सिमिलरली करंट लाइबिलिटी की भी टोटल कर दो करंट लाइबिलिटी में आपको तीन चीजें दे रखिये तीन हजार तेरह हजार और चार हजार तो ये आ जाएगा बीस हजार ये आ जाएगा बीस हजार तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा फाइव इस टू वन फाइव इस टू वन क्विक 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 रेशियो रेशियो भाई quick ratio क्या होता है एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी तो क्विक एसेट निकाल लो आप लोग एक लाख रुपए के करंट एसेट है इसके अलावा क्वेश्चन ने आपको इन्वेंट्री दे रखी कितनी की पचास हजार की और बीस हजार की आपकी करंट लाइबिलिटीज तो है ही तो ये कितना आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड अपॉन ट्वेंटी थाउजेंड दैट इज टू पॉइंट फाइव इस टू वन टू पॉइंट फाइव इस टू वन खत्म तो ये तो आई बिलीव बहुत सिंपल क्वेश्चन है चार्ट पे भी आप लोग लिख रहे हो सिंपल है तो मैं होमवर्क नोट कर लेता हूं जल्दी से तो होमवर्क में नोट करना आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस इसमें तो मैं आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़वाऊंगा नहीं रिमेनिंग क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन थर्टी फाइव अप टू क्वेश्चन थर्टी फाइव और इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 15 से लेके 39. और नाइन और क्वेश्चन आपको पहली बताया एक्सेप्ट लिख लो नहीं तो अगली क्लास में डाउट पूछोगे एक्सेप्ट क्वेश्चन 32 और 33 थ्री एक्सेप्ट क्वेश्चन 32 एंड 33 आपको सारे क्वेश्चन करने हैं चलिए बताइए जी हो गया सभी बच्चों का हो गया सारे बच्चों का काम आपकी परमिशन मिल जाए तो हम लोग अब गुड बाय कर सकते हैं कि नहीं चलिए चलिए देन बाय बाय वन आई होप आपको आज का सेशन थोड़ा सा यूजफुल लगा हो तो अब हम मिलेंगे परसों की क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे हर्ष और नाम है जो यूज होता है इसलिए वो मैंने लिखवा दिया एसेड टेस्ट मतलब वही होता है लिक्विड ओके चिराग हां बच्चों वाला है लेकिन अच्छे अच्छे थोड़े क्वेश्चंस हैं आगे जाके ठीक है थोड़ा ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही आसान है बट ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर भाई देखो इजी हो मुश्किल हो एग्जाम में तो आना ही आना है और आई बिलीव एटलीस्ट चार से पांच नंबर का तो आएगा इस चैप्टर से है ना तो इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी स्कोर करने हैं उन बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चलिए ओके देन बाय बाय सारे बच्चों को टेक केयर अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिए हंसी खुशी रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए ठीक है जी हम मिलेंगे परसों की क्लास में गुड नाइट एंड